यहाँ पे गुलशन व्यवहार में जितनी भी पार्क में हम जा रहे हैं सारी पार्कें बंद की गई हैं, पता नहीं क्यों बंद की हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम अभी जा रहे हैं, वो तो आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ है दादू और नहीं बे पांडे जी। के क्या लेके आए हो? तो अभी क्यों लेके आए हो? तो पहला पार्ट में खाऊंगा। और ड्राइंग प्रैक्टिस कर ली तुमने? सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:35 और हमने खाना वाना भी तो खा लिया है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं गुलशन व्यवहार, छोटी सी पार्क है, वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे और इंजॉय करेंगे और फिर घर वापसी आएंगे। चलो गाइस हम चलते हैं, अभी रेडी सेडी तो हो गए हैं, हम चलते हैं। दरवाजा भी बंद हो गया। 125 बाइक बाहर खड़ी है, हम उस पे जाएंगे, आज तीनों जाएंगे। सो गाइस हम पेट्रोल चेक करने के लिए इसका ढक्कन खोल रहे हैं, मगर ये खुल ही नहीं रहा, बहुत सख्त है। पांडे जी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते इससे खुलता है कि नहीं खुलता। उधर कैसे देख रहे हैं हमें, नहीं खुला। अरे हो सस हलते छोड़, आगे आगे निशा में खोलते। ये खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा, पेट्रोल कैसे डलवाएंगे इसमें, तुमसे भी नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा, ये जेब में डाल के घूम रहा, चाबी दूसरी है, दूसरी लगा के हम कोशिश कर रहे हैं। ये सही है यार, खुल गया। पहले लॉक खोल रहा है पांडे जी, लॉक तो खुल गया। दूसरी बाइक में दूसरी चाबी लगा रहे थे, मगर इसकी जो बाइक की चाबी थी वो निजाम भाई के पास थी, तो वो अभी मिल गई है। पहले पेट्रोल भरवाएंगे फिर जाएंगे पार्क की तरफ। रेडी हो? एक्साइटेड? अबे ये क्या कर रहा है? सो गाइस अमित भाई ने पेट्रोल भरवा लिए, अभी अमित भाई आ गए। सो गाइस हमने पेट्रोल अभी भरवा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। सो गाइस हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे मेहमान खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे रोड खत्म हो गए और वहां से हमारा घर आता है सीधा सीधा, ये पूरा मेहमान है। और सामने जो एक पहाड़ बना हुआ है उस पर एक छोटी सी मज़ार बनी हुई है, पहाड़ी बाबा इसको बोलते हैं, आई थिंक सो। हॉस्पिटल, अच्छा ये नया हॉस्पिटल बना है, मैंने अभी देखा है ये। सोचा कि ये नज़दीक ही था तो मैंने सोचा यहाँ पे एक वीडियो बना लेते हैं। तो पांडे जी अब चलें पार्क, घूम लिया यहाँ पे, तुमने ही बोला कि यहाँ पे रोको, तो चलो चलते हैं। सो गाइस हम अंदर पार्क के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है, क्योंकि ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं ना, इस वजह से हमें भी नहीं जाने दे रहे अंदर। तो अभी देखते हैं कौन सी पार्क यहाँ पे खुली हुई है, फिर वहीं जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे गुलशन व्यवहार में जितनी भी पार्क में हम जा रहे हैं सारी पार्कें बंद की गई हैं, पता नहीं क्यों बंद की हैं, शायद कोई इशू होगा। तो वो सामने जो नवाज शरीफ पार्क है ये भी बंद है, और ये सामने जो पार्क बनी हुई है ये भी बंद है। यहाँ बाहर खड़े होकर ही थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कोई दूसरी पार्क, शायद वो भी खुली हो, चेक करते हैं पूरा मेमार कौन सी पार्क खुली है, फिर वहीं हम चले जाएंगे। क्या हुआ दादू? थक गया हूँ। थक गया? बाइक मैं चला रहा हूँ, बैठा हुआ है पीछे आराम से, फिर भी थक गया। अबे यहाँ से नहीं जाओ, बस यहीं पे खड़े होकर तुम्हारी सबकी तस्वीरें ले लेता हूँ, सही है? मतलब तुम बाइक चलाओगे और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं कि तुम बाइक चला रहे हो? yes. अगर बाइक चलाते हुए किसी देख लिया ना मेरे भाई ने, फिर वो मुझे बोलेगा। भाई ने मना किया है कि इसको बाइक बिल्कुल नहीं देनी, तो नहीं देनी, सही है ना दादू? सो गाइस मैंने उसको बाइक की चाबी नहीं दी, ऐसे ही लेके जा रहा है बाइक को, मुझे बोल रहा है कि वीडियो बनाओ मेरी, मैं बाइक चला रहा हूँ। बस बस ना,
चाबी इसमें है ही नहीं, ऐसे ही बाइक चला रहा है धक्के पे। सो गाइस यहाँ पे कोई पार्क खुली नहीं हुई, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। वो वैसे ही हम बाहर खड़े होकर तस्वीरें हमने थोड़ी ले ली है, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और जगह, देखते हैं कोई और पार्क खुली हो वरना हम घर चले जाएंगे। सो गाइस हम आए हैं वाई पार्क में, जहाँ पे इतनी बड़ी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आजादी से हम घूम सकते हैं। बस एक ही पार्क खुली होती है यहाँ पे, ये है वाई पार्क, तो अब यहाँ पे तुम एंजॉय कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ओए ओए ओए, और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बन गई है, मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग बन रही है। ये जो पार्क है ना, यहाँ पे बस एक ही गाड़ी खड़ी होती है सिक्योरिटी की, वो सामने नजर आ रही होती है, ये रही। यार इसका तो बहुत शोर है, मेरी आवाज इसमें नहीं आती होगी, ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस ये है वॉक करने के लिए पार्क, यहाँ पे हर कोई आता है वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं बहुत सारे, और हमने भी बहुत सारी रनिंग की। क्या कर रहा है? अच्छा यहाँ पे तुमने चिप्स रखी थी, अभी निकाल रहा है, भूख लग गई तेरे को, तू बोल क्यों नहीं रहा कुछ, इतना बोलता है आज बोल नहीं रहा बाहर, क्या हुआ? सो गाइस वो दादू बिल्कुल आगे चला गया। यहाँ पार्क में कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है ना, इस वजह से कोई नहीं आता मेरे ख्याल में। गाइस हम अभी आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं इसमें पानी है कि नहीं है, आवाज़ तो नहीं आ रही पानी की, फव्वारे होते ना, टटियाँ पड़ी हैं, अभी अंदर जाके देखते। ओ इसके अंदर पानी है, मगर वो भी गंदा वाला पानी। काम चल रहा है ना, बहुत शोर आ रहा है। सो गाइस ये दोनों अभी थक चुके हैं, तुम भी थक गए? मैं थक गया। ये कितनी अच्छी खूबसूरत पार्क बनी हुई है, ये देखें। सो गाइस अभी यहाँ पे शोर चल रहा है, यहाँ पे तरक्याती काम चल रहा है, तो व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रुक गया। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमने फोटोग्राफी कर ली है, क्योंकि पूरे म्यांमार में हमने घूम लिया, वहाँ पे कोई एक पार्क भी नहीं खुली हुई, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं कि फैमिली पार्क है, फैमिली के साथ अंदर जा सकते हैं। तो ये जो पार्क है ना वाई पार्क, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बाहर से कोई भी आ सकता है। क्या हुआ, थक गए? हमारी फोटोग्राफी तो हो गई है, अभी हम जा रहे हैं घर। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा खत्म, मैं जा रहा हूँ। सो गाइस मैंने अपनी बाइक यहाँ खड़ी की है, और वो दोनों मेरे कज़न जो है वो आगे चले गए हैं, बहुत उन दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ, देखते हैं वो पीछे आते कि नहीं आते। सो गाइस मैं उनको पीछे छोड़ के आ गया, पता नहीं कहाँ खड़े हुए वो, रे चले अभी मजे ले लिए, अब चलें। मुझे बहुत डर लग रहा है कोई आ ना जाए बाइक पे, तीन बंदे अभी आए थे, मेरे को डर लग रहा था क्या पता ये भी मेरी मोबाइल चली जाएगी। सो गाइस मैं आया हूँ पांडे जी के घर और दादू जी के घर, मैं इन दोनों को छोड़ने आया हूँ यहाँ पे बाइक पर, फिर मैं जाऊँगा अपने घर वापस। पहुँच गए और ऊपर, ये लास्ट है, फाइनली पहुँच गए। तोते के बच्चे चेक करो, नीचे देखो, नीचे देखो। सो गाइस उसमें बच्चे पड़े हुए हैं, और ये इनकी मम्मी पापा है, मम्मी पापा। ये बच्चा देखो कितना मासूम है, ये बीमार है क्या, ये कोई हिल भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, निकला आज। क्यों
क्यों उतार रहे हो उसे? गिर कैसे जाएगा? नीचे जाएगा फिर सीधा ऊपर जाएगा और क्या। सो गाइस मैं अभी आया हूँ पांडे जी के घर और दादू जी के घर, थोड़ी चाय वाय पियेंगे फिर जाएंगे घर, फिर मैं अकेला जाऊंगा घर इन दोनों को छोड़ के। ये पेंशन लेकर आया तू? पहन भी ली? सो गाइस ये दोनों गए थे पेंट लेने के लिए, ये पेंट शर्ट लेकर आए, ये जो पहना हुआ है, और ये भी पेंट लेके आया। फटी हुई पेंट क्यों लेके आया? स्टाइल है यार आज, स्टाइल है। तो सारी मुझे पेंटें दे दे, मैं फाड़ के दे देता हूँ, वो भी स्टाइल हो जाएगा। नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। सो गाइस हमारी चाय आ चुकी है और केक भी आ गए, लाल और पीले वाले। सो गाइस चाय वाय पी के अभी मैं जा रहा हूँ घर, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले। तो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं। तो गाइस अभी रात हो गई है और रात के अभी बज रहे हैं 8 और हमारे घर में बने हैं पापड़ गर्मा गर्म। होए 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 होए, इसमें थोड़ा सा मसाला डालेगा तो और भी अच्छा लगेगा। ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला, ये डालते हैं फिर। सो गाइस मैंने सारे पापड़ खा लिए, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है। रात का खाना तो बिल्कुल मैं नहीं खाने वाला क्योंकि मेरा पेट भर चुका है पापड़ खाने से, क्योंकि शाम को मैंने चाय भी ज़्यादा पी ली थी और बिस्किट भी खा लिए थे। वो कज़न के घर भी मैंने चाय पी थी, यहाँ पे भी मैंने चाय पी ली, उस वजह से मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, टेक केयर। सो गाइज मैंने सोचा कि यार रात का खाना मैं नहीं खाऊंगा, मगर डिनर में एक चीज मेरी फेवरेट बनी है, वो है चावल की रोटी गाजर मटर की सब्जी। चावल की रोटी जो है मेरी फेवरेट है, तो मुझे रात का खाना खाना पड़ेगा। चलिए जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं।